सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपका साल काफ़ी बढ़िया बेहतरीन निकले। आप सभी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप हमारे सभी व्यूअर्स मित्र हैं और आप सभी को हम छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, एक लीटर पेट्रोल कितना ग्राम होता है। दोस्तों, छोटी सी चीज़ें हैं जो हम सभी को यहाँ पर याद रखनी होती हैं और उसमें छोटे छोटे टिप्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी को हम बताते रहते हैं। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, एक लीटर पेट्रोल कितने ग्राम होता है। दोस्तों, आप सोचते होंगे जैसे एक लीटर में 1000 ग्राम होता है, और ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को लाइव प्रूफ हम दिखाते हैं गूगल पे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं एक लीटर पेट्रोल में कितना ग्राम होता है। एक लीटर पेट्रोल 710 ग्राम से 775 ग्राम के बीच में होता है। आप सभी के लिए लाइव प्रूफ यहाँ पर देख सकते हैं। और किसी प्रकार की हेल्प एंड सहायता के लिए कमेंट हाउस में कमेंट करें, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। लगभग 710 ग्राम से 775 ग्राम के बीच में एक लीटर पेट्रोल को मापा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो है अगर आप लोग सुबह तेल भरवाते हैं, माना जाता है कि लगभग एक जो लीटर पेट्रोल है 710 के 775 ग्राम के बीच में सुबह भराते हैं, लगभग 720-30 के आसपास आते हैं, शाम को 770 तक पहुंच जाता है। दोस्तों, ये आप सभी को यहाँ पर छोटी सी जानकारी दी हमने, और किसी प्रकार की हेल्प एंड सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसका जो है घनत्व 740 किलो प्रति घन मीटर होता है, जो पानी 1000 ग्राम से हल्का है। आप सभी को हमने बता दिया इसका वजन कितना होता है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों, लीटर का माप तरल पदार्थ मापने के लिए होता है। यदि आप पानी 1 लीटर लेते हैं तो उसका वजन 1000 ग्राम होता है। दोस्तों, इसका तरल पदार्थ में मापा जाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। किसी प्रकार की हेल्प एंड सहायता के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।